सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय में मरीजों से मंगवाई जा रही बाहर की दवाएं, पीड़ित का आरोप, दवाएं उपलब्ध होने के बाद भी बाजार से लिखी जा रही दवाइयां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरसराय में शासन द्वारा उपलब्ध दवाइयां होते हुए भी डॉक्टर द्वारा मोटे कमीशन के चक्कर में मरीजों व उनके तीमारदारों को पर्ची लेकर अपने चहेते प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। राजेश पुत्र चिंतामन निवासी सुभाष नगर गरौंठा ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय डॉक्टर ओपी राठौर को लिखित शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी मोनिका को लेकर गुरसराय अस्पताल आया तो डॉक्टर साहब ने उसे कुछ दवाइयां तथा इंजेक्शन बाहर से लाने को कहा। जब उसने अस्पताल स्टाफ से पूछा कि क्या यह दवाइयां और इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो बताया गया कि यह इंजेक्शन और दवाइयां अस्पताल में मौजूद है, लेकिन डॉक्टर ने कमीशन के चक्कर में बाहर के एक दवा दुकानदार के यहां से दवा लाने को कहा है। लेकिन पीड़ित राजेश की मजबूरी थी कि उसे पत्नी का इलाज कराना था तो वह बाहर से दवाइयां व इंजेक्शन खरीद कर लाया। इस प्रकार गुड़सराय में ठगी का यह पहला मामला नहीं है। आए दिन गरीब मरीजों के साथ इसी प्रकार की ठगी की जाती है। यहां तैनात डॉक्टरों द्वारा शासन के नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया गुड़सराय में यह दवा इंजेक्शन यहां तैनात डॉक्टर देवेंद्र बरिया ने लिखी थी। इस संबंध में बाकायदा पीड़ित ने प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टर देवेंद्र बरिया द्वारा बाहर से लिखी गई दवा की पर्ची को भी शिकायती पत्र में संलग्न किया है। पीड़ित ने बताया कि अगर इस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई तो वह जिले से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक आला अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुरसराय अस्पताल में हो रही गंभीर अनियमितताओं के बारे में ज्ञापन देगा। गरौठा से अमन लेखनी न्यूज के लिए हेमंत यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आपके पास एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना आई है कि जो सरकारी अस्पताल में दवाइयां भी हैं फिर भी बाहर से मंगाई जा रही हैं डॉक्टरों द्वारा। अभी हमें एक मरीज के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये शिकायत है कि जो है हमें बाहर से दवाइयाँ लिखी गई, और जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल की, काउंटर से भी जानकारी थी और स्टाफ नर्स से भी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और शासन के द्वारा हर प्रकार की दवा उपलब्ध भी की जा रही है और अस्पताल में सही की दवाइयाँ उपलब्ध। बाहर लिखने की, बाहर से दवाइयाँ मंगाने की सवाल प्राप्त हुई है और इसकी विधिवत जाँच करा के। कौन डॉक्टर मंगाते हैं? उन्होंने जो डॉक्टर का नाम लिखा है उसमें डॉक्टर देवेंद्र बरिया का नाम उन्होंने शिकायती पत्र में दिया। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि इनका कमीशन बना हुआ है दुकानों से। ये सब चीज़ें जांच कराने के बाद पता चलेगा। मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं गरौठा का निवासी हूँ। आज जब मैं अस्पताल गुड़सराय में अपनी वाइफ को लेकर आया तो उसे शिकायत थी कमजोरी की, जिससे पैरों में जकड़न होती थी और थोड़ा दिल घबराता था। उसके लिए दवाइयाँ लिखी हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस थे। जब मैंने पूछा कि सर ये दवाई कहाँ मिले तो उन्होंने डॉक्टर शेखर का नाम लिया मेडिकल स्टोर का। जब मैं वहाँ पे गया और वहाँ से दवाई लेकर आया, जब मैंने यहाँ पे पता किया कि सर ये दवाई अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि यहाँ पर ये दवाइयाँ और ये इंजेक्शन है जो मुझे बाहर से लिखा गया था, और यहाँ पर जो लगाया गया सरकारी ये वाला यहाँ पे अवेलेबल था, फिर भी मुझे बाहर से ये वाला मंगाया गया। तो ये एक कमीशन का चक्कर है, डॉक्टरों का जो कमीशन होता है उसके चक्कर में गरीबों को बाहर से ही दवाइयाँ मंगवाते हैं। फिर आपने वहाँ अधिकारियों से शिकायत की गुरसराय अस्पताल में? जी, मैंने अभी गुरसराय अस्पताल में शिकायत दी है साहब को और चिकित्सा अधिकारी जी को। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं? यही कि कार्रवाई, इस पर कार्रवाई हो जाए और जो गरीब लोग आते हैं उनको अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो वही दवाई। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे जाएंगे। सीएमओ ऑफिस है हमारा, एसडीएम साहब है,